हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती? पढ़ी भी है आपने? आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है ओ लेवल्स, ठीक है, ए लेवल्स में ही पढ़ी है। ओ लेवल्स में आपने रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक हो, कि उसमें आपने क्या डेफिनेशन ही पढ़ी है, और फिर कुछ चीजों की हाफ लाइफ डिटरमिन करनी होती है, पेपर में ग्राफ दिया होता है, फैम करेक्ट। तो हाफ लाइफ बेसिकली द टाइम टेकन फॉर ऑल द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस टू फॉल टू इट्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले अगर शुरू में 0 सेकेंड्स पर 100 थी, 10 सेकेंड्स पर 90 थी, 20 सेकेंड्स पर 80 थी, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, ठीक है। तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? 100 से 50 आ गया, तो इसकी हाफ लाइफ जिस टाइम पर वो आ रहा होगा वो टाइम उसका हाफ लाइफ होगी। इसकी हाफ लाइफ 40 सेकेंड है, इसकी हाफ लाइफ 50 सेकेंड है, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, ये आप देख सकते हैं कि इधर आपके पास टाइम दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन दी भी है, और इसमें टाइम कॉन्सेंट्रेशन देखिए 10, 8.5, 7, 5.5, 4, 2.5, 1, और टाइम दिया हुआ है इसी तरह। तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? 10, 5 होगी। सो बेसिकली ये 3 और 4 के कहीं दरमियान है, ठीक है। बेसिकली ये अब 4 से पहले पहले और 3.5 के बाद, 3.5 से 4.0 के दरमियान इसकी हाफ लाइफ होगी। इसी तरह आप ये देखें तो इसकी भी हाफ लाइफ जो है वो 50 से 10 आ जाएगी जब, तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 10 और 15 के दरमियान, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है, और इसकी आपके पास हाफ लाइफ जो है वो गिवन है। इसमें हाफ लाइफ आपके पास कैसे गिवन है, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? आप ये देखो कि आपके पास जो थी वो पहले कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, आधी होगी 50 पर, तो आधी कहाँ पे हुई? यहाँ पे, ठीक है। 50 से आधी 25 होगी, तो कहाँ पे आधी हुई? यहाँ पे 25 से 12.5, ये हाफ लाइफ। फिर 12.5 से 6.25, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है। तो इसका जो हाफ लाइफ की बात है वो इस तरह है, ठीक है। सो ये ग्राफ, ये भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स के ग्राफ्स कैसे होते हैं। 0 ऑर्डर का कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर का कैसे होता है, सेकंड ऑर्डर का कैसे होता है, थर्ड ऑर्डर का कैसे। थर्ड ऑर्डर सिलेबस में ही नहीं है। हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, ऑर्डर 1 होगा, और उसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह होगा, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ इस तरह होगा ऑर्डर 1 का, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको प्लीज आप जो हो वो कर लें, जरा देख लें इसको, कुछ अगर आपने क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा जी, हाफ लाइफ का हमने बात जब देख ली, तो हाफ लाइफ से जाओ यार, हाफ लाइफ से पहले कुछ ग्राफ्स अगर आप बना लें, तो रेट इज इक्वल्स टू के, रेट इज इक्वल्स टू के सी, और परे रेट इज इक्वल्स टू के सी स्क्वेयर का ग्राफ। तो इसके ग्राफ्स कैसे होंगे? रेट इज इक्वल्स टू के का देखो, रेट इज इक्वल टू के सी का देखो, रेट इज इक्वल टू के सी स्क्वायर का देखो। तो ये बेसिकली रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है, रेट कॉन्सेंट्रेशन, रेट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, रेट इज इक्वल टू के होगा, यानी कि ऑर्डर 0 होगा तो
ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, और रेट इज इक्वल टू के सी, फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो रेट कौन ऐसी लाइन होगी या ऐसी लाइन होगी, ठीक है। ये वाली लाइन रेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए होगी, ये वाली लाइन कॉन्सेंट्रेशन टाइम के लिए होगी। सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो रेट रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ की लाइन ऐसे बनेगी और कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ की लाइन ऐसे बनेगी, ठीक हो गया, अंडरस्टूड, गुड हो गया। अब यहां पे आप देखे हो यहाँ पे आप देखो कि आपने यहाँ पे ये बना तो लिया, ठीक है, ये 20 तक लाइन ऐसी बनी हुई है कि आपने 20 तक देखते हैं, नीचे ना जाओ, और 0 से 5 आप गए जब टाइम में, तो 50 से 25 हो गया, डिफरेंस क्या है, 35 रेट, 35/5, 25 से 12.5, 10 का दोबारा डिफरेंस, 12.5/5, 2.5, 12.5 से 6.25, तो 6.25/5 इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। सो इधर आप एक चीज जो है वो डिड्यूस करते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो पता नहीं कहाँ गया, आप इज हाफ, ठीक है, हाफ हो रही है कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, हाफ, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ग्राफ इसका जो है वो इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, और आपने ये भी देख लिया कि 0 ऑर्डर, हाफ राइट, ठीक है। अंडरस्टूड हो गया, कोई इसमें परेशानी की बात तो नहीं है। ठीक हो गया, ये एक समरी सी है, ये अगर आप नोट कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। जो एक क्वेश्चन देखते हैं वो ये है कि अगर ये चीज एक बस में टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन रन ए और रन बी फॉलोइंग द ऑप्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर फॉर नाइट्रो फिनाइल इथेनॉल एट वेरी दो टाइम टू क्वेश्चन देख क्या किया ग्राफ कौन सा है, ये आपके पास रन ए है और ये रन बी है, पहले मैं आपने इनिशियल रेट ऑफ रन ए देखना और इनिशियल रेट ऑफ रन बी देखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इनिशियल रेट ऑफ रन ए और इनिशियल रेट ऑफ रन बी कैसे होगा जी, अपने रेट निकाल लेना। अच्छा जी, रेट आपको निकालना आता है, हम असल जो मकसद है ना उसकी बात करते हैं, ठीक है, जो असल इस क्वेश्चन का पर्पस है, उस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, आप देखें कि ये आपके पास एक वो दिया हुआ है ना, अगर एग्जामिनर ने, तो अब आप अगर देखें अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग योर रिजल्ट्स कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओएच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव रन बी है, अच्छा दोनों ए बी ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव ऑर्डर आप फाइंड करना है। आपने पढ़ा था कि जब हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है तो ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जो होता है वो हाफ लाइफ कांस्टेंट का मतलब है ऑर्डर इज 1। अब हाफ लाइफ निकालने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे,
नहीं हो रहा है ऐसे छोड़े, मूव करते ही नहीं है ना। हाफ लाइफ आपने अब बनानी होगी ना, तो आप हाफ लाइफ आपने स्टार्ट में बनानी है 0.01 पर, ठीक है, यहाँ पे बना दें और यहाँ पे बना दें। ये देखिए ये आपके पास क्या बन गए, आपने टेंजेंट बनाया और आपने ये देखा कि ये क्या है 12, ये क्या है 22 24। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट ड्रॉ करने में आपके पास ये 28 ये 24 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके इसको 24 पर ले आते हैं, ठीक है। हमने हाफ लाइफ कांस्टेंट शो करनी है ना, ये लो ये आपने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या आ जाता 24। अब आप देखो कि आपके पास ये क्या आ जाता है 12, ये क्या आ जाता है 24, डबल हो गया, हाफ लाइफ कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 12 है, यहाँ से 20, दोबारा 12 है। अगर हाफ लाइफ जब कांस्टेंट होगी, ठीक है, हाफ लाइफ जब कांस्टेंट होगी रेज होने वाला है, रेज हो गया, हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी तो ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। व्हेनेवर हाफ लाइफ इज कांस्टेंट ऑर्डर इज 1, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है वो इसको सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपने इसी तरह इसको आगे सॉल्व करते जाने, ठीक है, और ये इसी तरह टेंजेंट्स बना के ड्रॉ होता जाएगा। आपने ड्रॉ करने का एक और तरीका, आप ये देखोगे 0.01 है, हाफ लाइफ कहाँ पे होगी 0.05 पे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे 0.05 0.25, ठीक है। पॉइंट 25 से मजीद वो करोगे तो आई थिंक कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से तकरीबन कोई कैलकुलेटर है यहाँ पे, कैलकुलेटर दें सर जल्दी करें, 0.025 / 2, 0.0125। कुछ यहाँ पे आ जाता है हम कहते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा यहाँ से आप बना दोगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी जो है वो हाफ लाइफ देखते रहोगे कि ये दोबारा 12 है, ये दोबारा 12 है, ये आगे भी 12 ही होनी चाहिए। तो हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, सो ऑर्डर इज 1। आपने यहाँ पे देखा था ये, ठीक है, हमने ये समरी लिखी थी ना, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ऑर्डर 1 इसी तरह आप जो हो वो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा।